हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टी टेन स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ फिजिक्स का चौथा चैप्टर करने वाले हैं, जो है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले मैंने तीन चैप्टर करा रखा है, जिसमें मैंने मापन करा रखा है, वेग और समय करा रखा है, या दूरी कह लीजिए उसको। उसके बाद मैंने न्यूटन्स लॉ भी करा रखा है। तीन चैप्टर हमने ऑलरेडी कम्प्लीट कर रखा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटी से संबंधित। ग्रेविटी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके निकल सकते हैं क्लास नाइन्थ के फिजिक्स वाले चैप्टर से, वो सारा का सारा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वीडियो आप सभी के लिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, वो सारा का सारा मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वन लाइनर फॉर्मेट में सारा क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे और सारे क्वेश्चन को कम से कम समय में कंप्लीट करेंगे। यदि आपने अपनी तैयारी कर रखी है तो उसको रिविज़न फॉर्मेट में देखें, और यदि नहीं कर रखी है तो मैंने जितने भी इसमें क्वेश्चन बताए हैं सारे को एक कॉपी में नोट करके और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितने भी दोस्त हैं आपके उन सभी के पास इसको शेयर कर दीजिएगा, या जितने भी स्टडी ग्रुप है आपके पास सभी के पास इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक समान त्वरित गति के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। ठीक है, तो एक समान त्वरित गति के बारे में सबसे पहले बताया था गैलीलियो ने। और आपको याद होना चाहिए, जब मैंने थर्ड चैप्टर बताया था न्यूटन्स लॉ, तो उसमें मैंने एक बताया था आपको जड़त्व का नियम, याद है। जड़त्व के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया था, तो इन्हीं गैलीलियो साहब ने ही बताया था। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ ले एक समान त्वरित गति के बारे में, या फिर आपसे कह ले जड़त्व के बारे में, ठीक है, तो आपका क्या आंसर जाएगा, गैलीलियो ने ही इसके बारे में सबसे पहले बताया था। दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में कोई वस्तु ऐसे गिरती है, तो अगर कोई वस्तु निर्वात में गिर रही है, ठीक है, तो वह एक समान त्वरित गति से गिरती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न जाने कितने एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे गए जा चुके हैं। तो निर्वात में अगर कोई वस्तु गिरती है तो वह समान त्वरित गति से गिरेगी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, निर्वात से एक पंख तथा एक कील को गिराया जाता है, तो कौन सबसे पहले गिरेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वात जो होता है, निर्वात कहने का मतलब हो गया वैक्यूम। ठीक है, और वैक्यूम में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है। ठीक है, और अवरोध नहीं होने के वजह से चाहे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग ही क्यों ना हो, वह दोनों एक साथ ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं है विरोध करने के लिए, तो वह क्या होगा, एक साथ गिरेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वैक्यूम ना हो, वैक्यूम अगर नहीं हो, हवा में किसी वस्तु को गिराया जाए, तो हम जानते हैं कि हवा में डिफरेंट टाइप के गैसेस या धूलकण होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो जो हल्का होगा वो बाद में गिरेगा, और जो भारी होगा वो पहले गिर जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो सौरमंडल है उसमें पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, और कोई भी ग्रह हो उसके चारों ओर पथ पर क्या होता है, चंद्रमा गति करता है। तो ये जो चंद्रमा गति करता है, तो आखिर इसका वजह क्या है। तो चंद्रमा के गति करने के कारण होता है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, या तो आपको ऑप्शन में अभिकेंद्रीय बल रहेगा, अगर मान लो कि अभिकेंद्रीय बल नहीं रहता है तो फिर ग्रेविटी के वजह से ही यह क्या होता है, चक्कर लगाता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के वजह से ही यह क्या करता है, चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, न्यूटन साहब ने कहा था कि ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं वो सारा का सारा कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस गुण को उन्होंने क्या कहा था, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दुनिया में कोई भी वस्तु, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, या फिर धूमकेतु हो, ग्रह हो, कुछ भी हो, ठीक है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण को किससे इंडिकेट किया जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का इंडिकेट किया जाता है स्मॉल जी से, और गुरुत्वीय त्वरण का जो व्यंजक होता है वो कैपिटल ई एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहाँ पर जी जो है आपका, ये है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, या कहीं कहीं पर आपको गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी मिलेगा, जिसका जो वैल्यू है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। क्या है वैल्यू, आगे हम लोग देखेंगे।
एम हो गया आपका मास, मास बोले तो द्रव्यमान, और आर हो गया रेडियस, रेडियस बोले तो त्रिज्या। अगर पृथ्वी के सापेक्ष देखें तो पृथ्वी के सापेक्ष जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक की बात करेंगे तो जी तो सबके लिए बराबर होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो का सबके लिए बराबर होगा। यहाँ पर एम हो गया किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, अगर पृथ्वी के सापेक्ष देखेंगे तो पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा आपका आर। ठीक है, यानी कि गुरुत्व त्वरण का व्यंजक क्या हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, या जी एम इंटू आर इनवर्स भी हो सकता है, इनवर्स टू। चलिए अगला देखते हैं, गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है। तो देखिए गुरुत्व त्वरण यानी स्मॉल जी, स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने ऐसा यूनिट इसलिए लिया क्योंकि यह त्वरण है, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण की वजह से त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बाय द वे मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में अगर गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कुछ दिया जाता है तो वहाँ पर भी आप वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड ही लीजिएगा, तब तक जब तक कि क्वेश्चन में यह ना कहा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण आपको 10 मीटर पर सेकंड लेना है, स्क्वायर ले रही है, ठीक है। यहाँ पर गुरुत्व त्वरण का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने, लेकिन सार्वत्रिक नियम का जो वैल्यू है वह किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, जिन्होंने हाइड्रोजन का खोज करा था। चलिए अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कह रहा है, ठीक है, नियतांक क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि किसी कण पर लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने पहले ही कहा दुनिया में जितने भी कण हैं वह सारे के सारे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो कम से कम दो कण तो ज़रूर होंगे। मान लीजिए कि एक कण आपका ये है, ठीक है, और एक कण ये है जिसका मास हो गया आपका M1 और M2, ठीक है, और क्या कह रहा है, इसके बीच का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, ये जो कण है इनके बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, मान लीजिए आर, ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग व्यंजक के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहा जाएगा कि द्रव्यमान के गुणनफल यानी M1 इंटू M2, ठीक है, समान के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी आर के वर्ग स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, ये आता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी यहाँ पर स्थिरांक का वैल्यू आ गया। तो अगर आपसे व्यंजक पूछता है तो आप ये व्यंजक याद रखोगे, व्यंजक याद रखोगे तो आप आराम से परिभाषा को लिख सकते हो, ठीक है, क्या कहेगा कि किसी कण पर लगने वाला बल द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का नियम। 10वां प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित किया जाता है। मैंने अभी तुरंत बताया गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित किया जाता है, लेकिन कौन सा, स्मॉल जी से, कैपिटल जी से गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक को सूचित किया जाता है, स्मॉल जी से गुरुत्वीय त्वरण को सूचित किया जाता है, दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को किससे सूचित किया जाता है, जी से, मैंने अभी तुरंत बताया। अब देखिए जी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 इनवर्स 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आपसे पूछे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और वैल्यू पूछ लिया तो 6.67 इंटू 10 इनवर्स 11। जी का मान सबसे पहले किसने दिया, हेनरी कैवेंडिश, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग से न जाने कितनी बार बोल दिया है कि जी का वैल्यू जो है हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, ठीक है, जी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है, ये जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 इनवर्स 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यह वैल्यू किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने, और हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन का खोज करा था, किसका, हाइड्रोजन का खोज करा था, और दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, सूर्य में नाभिकीय संलयन जो होता है हाइड्रोजन का ही होता है, और इसी हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है सूर्य से। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान, यह भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जामिनेशन बहुत बार पूछा गया, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया 6 × 10²24 kg, ठीक है, देखिए इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव पावर है, इसलिए मैंने सिर्फ पावर बोला, 6 × 10²24 kg, ओके। रेडियस की अगर बात करेगा तो पृथ्वी का जो रेडियस होता है 6371
किलोमीटर, यह भी याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना एंगल बनाती है, यानी डिग्री झुकी होती है, तो 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री क्या होता है, अपने अक्ष पर झुकी होती है। अगला है, जी का मान कहाँ अधिक होता है। देखिए अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो मान लीजिए कि यह आपका पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का अगर ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर बोले तो 0 डिग्री लाइन, जिसको इक्वेटर कह ले, भूमध्य रेखा कह ले, विषुवत रेखा कह ले, कुछ भी कह ले, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसका, ठीक है। ये आपका आता है नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये आता है आपका साउथ पोल, ठीक है। यानी इक्वेटर से ऊपर बढ़ने पर जितनी भी डिस्टेंस आप जाएंगे, उस डिस्टेंस को आप नॉर्थ पोल से इंडिकेट करेंगे, और नीचे आएंगे तो साउथ पोल से। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होगा, तो ये जो आपका भूमध्य रेखा है, इस पर जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। इस भूमध्य रेखा पर आप कहीं भी जाएंगे तो जी का जो वैल्यू होगा सबसे कम देखने को मिलेगा, नेगेटिव नहीं, एकदम न्यूनतम देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे, चाहे आप नॉर्थ की तरफ जाइए चाहे साउथ की तरफ जाइए, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाइएगा वैसे वैसे जी का वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा, इनक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया जी का मान कहाँ न्यूनतम होता है, तो या तो भूमध्य रेखा कह लीजिए, विषुवत रेखा कह लीजिए, पृथ्वी के केंद्र कह लीजिए, इक्वेटर कह लीजिए, 0 डिग्री लाइन कह लीजिए, ठीक है, यहीं पर क्या होगा, जी का वैल्यू सबसे कम होता है। आगे है, वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो वस्तु में जितना द्रव्य की मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान कैसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, जिसको केजी से इंडिकेट करते हैं। द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। क्या होता है अदिश राशि, सदिश राशि, मैंने दूसरे चैप्टर में इसको अच्छे से कंप्लीट करा है, आप उसको देख सकते हैं, दूसरे चैप्टर में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। आगे है, द्रव्यमान कैसे मात्रा क्या है, मैंने जरूरत बताया, किलोग्राम होता है। और अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु, इसका जो द्रव्यमान है, कहीं भी आप चले जाओ, इसके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो भाई बदलेगा क्या, तो बदलता है इसका क्या, भार। क्या बदलेगा, भार बदल जाएगा। देखिए भार जो होता है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है। जहाँ पर वायुमंडलीय दाब अधिक होगा वहाँ पर भार भी अधिक होगा, और जहाँ पर कम होगा वहाँ पर भार भी कम होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इसका भार पृथ्वी पर मान लीजिए द्रव्यमान 50 kg है, ठीक है, तो ये कहीं भी चला जाएगा, ब्रह्मांड के किसी कोने में चला जाएगा, तो इसका जो द्रव्यमान है वह 50 kg ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर भार पूछ लेगा, अगर पृथ्वी पर भार है 50 किलोग्राम, ठीक है, तो ये जिस जगह पर जाएगा तो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर कितना ग्रेविटी है, वहाँ पर कितना प्रेशर है, ठीक है, और जो ग्रेविटी और प्रेशर होगा उसके हिसाब से उसका भार क्या होगा, बदलेगा। यानी कि स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन भार पर प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला है, भार किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। भार को किसके द्वारा मापा जाता है, कमानीदार तुला से मापा जाता है। भार कैसा है, मात्रक, न्यूटन होता है, सबको याद रखिएगा। देखिए मैंने अभी तुरंत बताया था ना, स्थान परिवर्तन से भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, बदल जाता है। जहाँ पर जैसा प्रेशर होगा उसके हिसाब से उसका भार चेंज होगा। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, देखिए इकाई क्षेत्रफल, देखिए कहीं पर भी इकाई वाला कंसेप्ट आएगा ना, तो याद रखिएगा कि वहाँ पर भिन्न आएगा। भिन्न कहने का मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो इकाई कहा, तो इकाई जिसके साथ इकाई शब्द होगा वो नीचे आएगा, यानी कि हर में आएगा। तो इकाई क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या होता है, चलिए हम क्षेत्रफल ही लिख लेते हैं, इकाई क्षेत्रफल, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, क्या लगता है, बल, जो लग रहा है उसको ऊपर लिखेंगे तो बल लगता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं इसको, दाब। अब पूछ लिया दाब कैसा है मात्रक, हमें नहीं पता, यहाँ से निकालेंगे, टेंशन कहाँ लेते हैं। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए निकल कर क्या गया ना, दाब का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, और दाब का ऐसा यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का ऐसा यूनिट जो होता है पास्कल भी लिया जाता है, ठीक है, पास्कल, जिसको इंडिकेट किया जाता है PSA। अगर वायुमंडलीय दाब पूछ लेगा तो वायुमंडलीय दाब का ऐसा यूनिट होता है बैरोमीटर। क्या होता है, बैरोमीटर।
दाब किस पर निर्भर करता है? तो दाब निर्भर करेगा सतह के क्षेत्रफल पर। जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, किसी भी वस्तु का सतह का क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा दाब उतना कम लगेगा, दाब उतना कम लगेगा, और जितना नगण्य क्षेत्रफल होगा उस पर दाब उतना अधिक लगेगा। कहोगे कैसे? तो देखो, अगर आप नदी में किसी भी कील को डालते हो, ठीक है, तो कील डूब जाता है। क्यों? क्योंकि कील का जो सतह का क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम है, जिसके कारण दाब अधिक लगता है और वो पानी में डूब जाता है। लेकिन वहीं अगर हम नाव की बात करेंगे, ठीक है, तो नाव क्या होता है, नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि नाव का जो नीचे वाला जो सरफेस होता है, इसका जो एरिया होता है काफ़ी अधिक होता है, जिसके वजह से क्या होता है, दाब कम लगता है। और सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना कम लगेगा, ठीक है। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम लगता है और सतह का क्षेत्रफल घटने से दाब अधिक लगता है, ठीक है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, जब अगर दलदली क्षेत्र में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसको लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि लेटने से दाब कम लगेगा और वो दलदल में मतलब फंस तो जाएगा ही, लेकिन लेट लगेगा उसको डूबने में। अगला है, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने बताया क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसी सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? देखिए, मान लेते हैं कि यह सतह है, ठीक है, इसके लंबवत अगर कोई बल लग रहा है, लंबवत 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई बल लग रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रणोद। इंग्लिश में इसको थ्रस्ट बोलते हैं। तो इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, हो सकता है बाय द वे एग्जाम में आपसे पूछ ले थ्रस्ट। घनत्व का ऐसे मात्रे क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अगर ये आपको याद है तो आप इसका आसानी से ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। और आयतन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो निकल के आ गया ना, केजी मीटर क्यूब। यहाँ पर भी लिखा हुआ द्रव्यमान, घनत्व का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर क्यूब। केजी मीटर क्यूब, हो सकता है केजी मीटर इनवर्स क्यूब रहे, तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है? तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि द्रव का जो दाब होता है सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। सभी दिशाओं में, किसी भी दिशा में जाएगा तो समान रूप से संचारित होगा। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था पास्कल ने, ठीक है। और पास्कल ने इस कॉन्सेप्ट को प्रयोग में करने के लिए जो नली का यूज किया था उसका स्ट्रक्चर कैसा था? तो यू आकार का था। तो अगला प्रश्न वही कह रहा है, पास्कल ने अपने प्रयोग के लिए किस आकार के नली का प्रयोग किया था? तो यू आकार के नली का प्रयोग किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई द्रव है और उसके द्वारा यदि ऊपर मुखी बल लगाया जाता है, तो ऊपर मुखी जो बल लगता है उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। अगला है, सर्वप्रथम उत्प्लावकता के बारे में किसने बताया था? आर्कमिडीज ने बताया था, ठीक है। बर्फ पानी के ऊपर तैरता है, तो देखिए बर्फ पानी के ऊपर तैरता है इसलिए क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है पानी से। याद रखिएगा, जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा, ठीक है, जिस पदार्थ का डेंसिटी कम होगा वह तैरेगा, कुछ भी हो। अगर उसका डेंसिटी किसी दूसरे सापेक्ष के पदार्थ अपेक्षा कम है तो वह तैरेगा। यहाँ पर कह रहा है कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का जो डेंसिटी होता है वह पानी से कम होगा। बर्फ का डेंसिटी पानी से कम होगा तभी तो तैरेगा ना, कमज़ोर है इसीलिए तैर रहा है, हार मान गया पानी से इसीलिए उसके ऊपर तैर रहा है। अब अगर मान लीजिए लोहे के कील को डालते हैं, तो लोहे के कील का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से अधिक होगा तो वह डूब जाएगा, है ना, क्योंकि जो मजबूत है वह डूब गया, उसके अंदर पीट के चला गया अंदर, है ना, वही बात है। तो बर्फ पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। लोहे की कील पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी से अधिक होता है। ओके, चलिए, किसी वस्तु को पानी में डूबने के लिए उसका घनत्व कैसा होना चाहिए? अगर डूबना है तो घनत्व भाई अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है वस्तु का घनत्व पानी से अधिक होना चाहिए। कह रहा है जब जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो क्या होता है? तो जहाज जब नदी से समुद्र में उतरता है तो थोड़ा ऊपर उठेगा। क्यों? क्योंकि नदी के घनत्व, नदी का जो पानी होता है उसका डेंसिटी थोड़ा सा अधिक होता है साधारण जल की अपेक्षा, ठीक है। नदी में जो पानी होता है उसकी अपेक्षा समुद्र वाले पानी का जो डेंसिटी होता है वो अधिक होता है। तो जैसे ही उसमें जाता है तो जो नाव होता है ना, वो ऊपर उठ जाता है। अगला है, मनुष्य के शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है या कम, यानी डैश होता है? तो देखिए, मनुष्य का जो घनत्व होता है, मनुष्य के शरीर का, वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, तभी तो मनुष्य पानी में डूब जाता है। अगर कम होता तो डूबता ही नहीं, तैरते रहता है हमेशा, ठीक है। तो मनुष्य का डेंसिटी जो होगा शरीर का, वो पानी के डेंसिटी से अधिक होता है। अगला, बर्फ़ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? ठीक है, तो देखिए, जब भी आप पानी में, ठीक है, अगर बर्फ़ को डालेंगे तो बर्फ़ का
एक बट्टा नौ भाग क्या होता है पानी के ऊपर रहता है, यानी कि बर्फ़ का ये जो ऊपर वाला भाग है यह एक है और नीचे वाला भाग है वह 9:9 में है। ठीक है, तो एक भाग ऊपर और नौ भाग नीचे रहता है, तो वही कह रहे हैं बर्फ़ का कितना भाग पानी के ऊपर, एक बट्टा नौ भाग। ठीक है, और अगर बात करेंगे पानी के अंदर तो देखिए 1/9 है, अंदर कह लिया तो घटा दीजिए, ठीक है तो घटा दीजिएगा तो 8/9 हो जाएगा। अब कह रहे टाइटैनिक जहाज बर्फ़ यानी हिमशैल से टकरा कर कब नष्ट हुआ था, 1912 में। अपेक्षित घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो देखिए घनत्व जब भी निकाला जाता है तो पानी के सापेक्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो पानी का कुछ ना कुछ घनत्व होगा, तो घनत्व का ऐसा यूनिट लिखेगा केजी प्रति मीटर क्यूब, यही लिखेगा ना। अब अगर मान लीजिए जिसका भी निकालना होगा, जिस भी पदार्थ का डेंसिटी निकालना होगा उसका भी तो ऐसा यूनिट लिखना होगा ना, केजी मीटर इनवर्स क्यूब, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कट जाएगा तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि अपेक्षित घनत्व का ऐसा मात्रक कुछ भी नहीं होता है। आगे, किस तापमान पर पानी का घनत्व महत्तम तथा आयतन न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होगा, मैंने पहले ही बता दिया था भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है। आगे, किसी वस्तु का भार महत्तम कहाँ होता है, तो महत्तम कहाँ हो जाएगा, ध्रुवों पर हो जाएगा, पोल पर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा, मैंने सारा पहले ही बता दिया है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना गुना आता है, 1/6 गुना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 kg है, ठीक है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो 60 kg का 1/6 यानी कि 10 kg, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का कितना गुना होगा, 1/6 गुना। देखिए यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 N है, मैंने भी बताया 60 N है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर 1/6 यानी कि 10 N हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर द्रव्यमान कहा गया, अगर भार कहेगा तो भार जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर भार कहा गया, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पर भी भार कहा गया है लेकिन इस क्वेश्चन में द्रव्यमान कह दिया गया है, तो ये मैंने बताया था द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 है तो चंद्रमा पर भी 60 होगा, चाहे ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाइए 60 ही रहेगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये प्लाइन वेग क्या होता है, प्लाइन वेग एक ऐसा वेग है जिस वेग से अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंके और वह पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकल जाए तो वह पुनः लौट के वापस नहीं आएगी। ठीक है, सभी पिंड का या कह लें कि सभी ग्रहों या उपग्रहों का अपना अलग अलग प्लाइन वेग होता है। जैसे यहाँ पर पृथ्वी का पूछ लिया, तो पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस रफ्तार से किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी की कक्षा से बाहर फेंक दें तो वो पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगी। अगला है, वह वेग जिस वेग से अगर किसी पिंड को फेंका जाता है तो पृथ्वी पर लौट के नहीं आता, उसे क्या कहेंगे, प्लाइन वेग कहेंगे। द्रव्य में पूर्ण या थोड़ी डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी किसके बराबर होता है, तो जितना भार के बराबर जल हटाएगा उसके हिसाब से, तो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए भार के बराबर क्या होगा, आभासी कमी होगा। चलिए, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होता है, तो वही है 6:1। यहाँ पर पृथ्वी का जो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है, और चंद्रमा के सतह पर जो होगा कितना होगा, 6:1, यानी मान लीजिए कि एक है चंद्रमा पर तो 6 होगा पृथ्वी पर, वही कह रहा है 1/6 गुना जो मैंने अभी ऊपर बताया था। कह रहा है निर्वात में स्वतंत्र पूर्वक गिरते हुए पिंड किस रूप में गिरती है, तो एक समान त्वरण में गिरती है। ठीक है, मैंने अभी तुरंत बताया था एक समान त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका ग्रेविटी से जितने भी प्रश्न थे यहाँ पर। ठीक है, 55 प्रश्न मैंने यहाँ पर कराया, सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला पार्ट लेकर के इसका, यानी कि 5वां चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।